ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुन शिव शिवम। ओम नमः शिवाय। शिव त्रिपुरारी हैं, कल्याणकारी हैं। शिव शंकर हैं, अभयंकर हैं। शिव भोलेनाथ हैं और ऐसे भोलेनाथ को हम सभी मिलकर मनाने का प्रयास करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और इस आराधना के लिए उपयुक्त मास है श्रावण मास, ऐसा हमारे विद्वानों ने हमें बताया है। शास्त्रों में वर्णित है कि श्रावण मास में शिव की जो आराधना की जाती है वह फलीभूत होती है। शिव अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देते हैं और हम सभी को शिव के वरदान की बहुत आवश्यकता है। तो क्यों ना हम भक्तों के पास पहुँचें, हम शिव की आराधना एक ऐसे माध्यम से करें कि सभी एकाकार हों और शिव प्रसन्न होकर हमें हमारा मनोवांछित फल प्रदान करें। हम करने जा रहे हैं संपूर्ण श्रावण मास के 30 दिन तक हर दिन एक नया शिव भजन आप तक पहुंचाएंगे। हमारी जो संगीत की टीम है वो ऐसा प्रयास कर रही है कि आपको हर दिन शिव का एक नया स्वरूप, शिव का एक नया नाम, शिव का एक नया भजन और एक नई धुन के साथ सुनने को मिले। तो आइए हम सभी थोड़ा सा समय हमारी व्यस्ततम जिंदगी में से निकालें और श्रावण आरंभ होते ही प्रतिदिन आपको थोड़ा सा समय निकालकर हमारे YouTube चैनल अर्चना आपटे तिवारी पर हमें देखना है, सुनना है और आपको भी साथ में हमारे शिव भक्ति में लीन होना है। शिव एक ऐसे देवता हैं जिन्हें कुछ ज़्यादा प्रसाद भी नहीं चाहिए, जिनका आभूषण भी बहुत सामान्य है। सहज सुलभ वस्तुओं से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। आंकड़े की माला उन्हें चढ़ा दीजिए। सबसे आसान जो चीज़ है जिससे वे प्रसन्न होते हैं वो है उनका अभिषेक, जलाभिषेक। और ऐसा देवता एकमात्र शिव ही है जो कि त्रिनेत्रधारी है और साथ ही जिसके सिर पर गंगा विराजित है, मस्तक पर ललाट पर चंद्रमा शोभित हो रहा है, साथ ही गले में नरमुंडों की माला है और भांग का सेवन वे करते हैं, धतूरा उन्हें प्रिय है। ऐसी चीजें जो कि अन्य कोई देवता पसंद ना करे, ऐसी सामान्य चीजों से हमारे बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी के साथ वे नृत्य के आदि देवता भी माने गए हैं। नाद का उद्गम हमारे बाबा शिव शंकर के डमरू से हुआ है। ऐसे संगीत के जानकार देवता जिन्हें हम स्वरांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। श्रावण आरंभ होते ही प्रथम दिवस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस YouTube चैनल पर जाकर शिव भक्ति का आनंद लेना है। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। नाद ब्रह्म के प्रवर्तक देवादिदेव भगवान शिव के प्रिय महा श्रावण माह का प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान शिव के भक्त विभिन्न प्रकार से भगवान शिव की आराधना व साधना में लीन होने जा रहे हैं। हमारी टीम जिसकी प्रमुख गायिका श्रीमती अर्चना आपटे तिवारी जी है, आपके द्वारा एक संकल्प लिया गया है जिसमें प्रतिदिन बाबा महाकाल के श्री चरणों में स्वरांजलि प्रस्तुत की जाएगी। आप इस स्वरांजलि का आनंद व रसास्वादन हमारे YouTube चैनल अर्चना आपटे तिवारी पर कर सकते हैं। मित्रों, भजन का आनंद लेने के साथ साथ लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। तबला संगति उज्जैन शहर के वरिष्ठ संगीत गुरु पंडित माधव तिवारी जी द्वारा तथा हारमोनियम संगति मेरे द्वारा डॉक्टर रोहित चावरे द्वारा दी जाएगी। जय श्री महाकाल। नमस्कार। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ऐसे सुंदर शिव की आराधना मैं स्वरों के माध्यम से करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ।
आप सभी के आशीर्वाद के बिना यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। आइए हम सभी मिलकर शिव के प्रिय श्रावण मास में देवादिदेव महादेव नटराज का भक्तिमय आराधन करें, वंदन करें।